शाम को हाजिर अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है और मेरे साथी है, इस प्रोग्राम के होस्ट भी है, इस प्रोग्राम के डोनर भी है, जैसे आसिफ भाई गलेरिया साहब, और मैं उनका नाम लेना नहीं भूल सकता, ऐसी हमारी बहन तस्लीमा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, मैं हमारे प्रेसिडेंट एहसान गढ़वाला साहब को मैं एक नोटिस में दिलाना चाहूँगा कि जिन्होंने 54 कपल ओलिंपिक्स की जो टीम हम लोगों ने अहमदाबाद में मुनाकिद की, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत तस्लीम भाई की है, उनको इस स्टेज पे से मुबारकबादी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम आज जो करने जा रहे हैं, जो फिर का और कल तो मैट्रिक का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम में मैं ऐसा समझता हूँ अगर कातर भाई मेरे साथ ना होते, आसिफ भाई गलेरिया मेरे साथ नहीं होते, तस्लीम बाबा मेरे साथ नहीं होती, इनके अंदर अमरेली वाला और इनकी फैमिली अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो ये मेरा फखर है कि जो लोग अहमदाबाद शहर में है, जिनको ढूंढना पड़ा, उनको तराशना पड़ा, बहुत लोग हैं अहमदाबाद में काम करने वाले, लेकिन मेरे साथ में जिन्होंने मेरे साथ में घंटा मिला था, जिन्होंने मुझे साथ दिया, ऐसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मंच से। अल्लाह ताला इनको आगे और भी काम करने की, मेरे साथ में और अलाइदा भी काम करने की कुवत और सलाहियत दे, ऐसी दुआ करता हूँ। साथ में उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्रोग्राम में ऐसा भाई एक छोटा सा प्रोग्राम समझ के हम इस काम को करने जा रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि एक छोटा सा प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया कि आज 70 कॉरपोरेट कंपनियां यहाँ पर मौजूद है और 7000 से ज्यादा रजिस्टर में जॉब के लिए बच्चों का और सब मजहब सब धर्म के लोगों को हम लोगों ने इस जॉब फेयर में इनवाइट किया। इस मंच से हम हमारे मुल्क में हमारे स्टेट में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मेमन बिरादरी के लोग जो एक काम जो काम को हाथ में लेते हैं, इस काम को अंजाम देते हैं। अगर मुल्क को आज़ादी के लिए फंड की जरूरत पड़ी तो यही कौन थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उस जमाने में 1 करोड़ रुपया दान दिया था, ये वो कौन है? अगर हम इस कौम की बात अगर कहानी को दोहराए, इतिहास को दोहराए, तो मैं समझता हूँ कि आज का पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस इतिहास को हम दोहरा नहीं सकते। मैं ये इस मंच से ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे इलाके के MLA साहब, इस मैसेज को इस स्टोरी को जानते हैं क्योंकि वो खुद भी वो ऐसी सिटी से रहते हैं जो जोड़िया से, जब मेहमानों का बंदर पे काम चलता था जोड़िया से, और वो आज अहमदाबाद के विजलपुर विधानसभा के MLA। साथ में मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में जिन्होंने मुझे मेरे नाम के साथ, मेरे दो साथियों के साथ जुड़े हुए नाम के साथ मेरे को हम लोगों को डोनेशन प्रोवाइड किया। अगर ये डोनेशन हमको नहीं मिलता तो शायद हम लोगों को थोड़ी व्यवस्था में थोड़ा इस काम को अंजाम देने में, इस इवेंट को अंजाम देने में थोड़ी परेशानी आती है। आगे लोकल मक्कमपुरा वार्ड के काउंसिलर है हाजी भाई है, हमारी आफा है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने इस प्रोग्राम को आने में हमारे मेहमान बनने में उन्होंने कबूल किया। WMO के जो मेंबर हैं जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में से आए हैं, ऐसे तमाम WMO के मेंबर जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने बहुत बहुत मुबारकबादी दी है मुझे, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास के गुजरात के अलग अलग हिस्सों में से आए हुए मेंबर जमातों के प्रमुख को, सेक्रेटरी को, उनके अहदेदारों को, सुरेंद्र नगर मेंबर जमात को भी मुबारकबादी देता हूँ। इस प्रोग्राम में इन्होंने हमको आने में उन्होंने वॉलंटियर भी दिए, उन्होंने प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमको फंड भी दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
सुल्तान मुस्लिम मेमन समाज का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए खुद भी अपनी वेबसाइट पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जॉब फेयर का एमपी के जॉब फेयर गया रजिस्ट्रेशन को उन्होंने अपना काम समझ कर इस काम को उठा लिया। उनको भी मुबारकबादी देता हूँ, मैं उनको भी मुबारकबादी देता हूँ मुस्लिम एजुकेशन प्रोफेशनल को कि उन्होंने भी इस अंजाम इस प्रोग्राम को जॉब फेयर को कामयाब कराने के लिए उन्होंने अपनी टीम को दिनों रात खास करके इम्तियाज भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला आपने इतना का इस काम को खूबी अंजाम दिया है, अलहमदिल्ला आपकी टीम इस मुबारकबादी की हकदार है। इसके साथ जो लोग मेरे साथ वॉलेंटियर्स में जुड़े हैं, मेरे साथी हैं, मैं खुद भी अपने वॉलेंटियर्स के टीम में अपने आप को मानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपका सीनियर हूँ या आपका लीडर हूँ। मैंने हमेशा मेरे यूथ अहमदाबाद के WMO यूथ विंग को हमेशा यही कहा कि आप अपनी यूथ लीग का पार्ट मुझे समझे, नहीं कि मैं आपका सिटी चेयरमैन ना मैं आपका आरएमसी मेंबर ना मैं आपका लीडर। आप मेरे साथी हैं, मैं आपके साथ रहकर आपके साथ में रहकर काम करूंगा, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनकर आपके साथ काम करूंगा। ऐसी हमारी अहमदाबाद कंपनियों को यूथ लीग को भी मुबारकबादी देता हूँ। जजाकल्ला, आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जजाकल्ला।